सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। ओहो, आप यहीं पे हो? अच्छा थोड़ी, मैं रखता हूँ इसको साइड में। हाँ तो दोस्तों, मैं देख रहा था क्या व्हाट्सएप के स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस। आजकल सबको पता है कि सब लोग अपना अपडेट हमेशा व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं। कोई पिक्स डालता है, तो कोई वीडियो डालता है, कोई सॉन्ग डालता है, तो कुछ अच्छी चीज़ डालता है, कोई चीज़ सीखने के डालता है, कोई चीज़ ख़राब डालता है। जो भी हो, अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है वो अपने अपने हिसाब से व्हाट्सएप के स्टेटस डालता रहता है। दोस्तों मुझे भी देखो, मैंने गाना सुन रहा था, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया। तकलीफ ये पड़ती है कि हम ये स्टेटस डाउनलोड कर नहीं सकते हैं, कि ये कैसा, ऐसा कोई भी फीचर दिया नहीं गया है कि हम स्टेटस डाउनलोड करें कि ना करें, कैसे करें। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम स्टेटस देखते हैं तो वो एक्चुअली डाउनलोड होता है अपने मोबाइल के अंदर, वो मोबाइल के अंदर सेव होता है और चलते हैं उसको हम ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ किसी को पता है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी का भी व्हाट्सअप का स्टेटस कैसे यूं चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, कैसे आपको व्हाट्सएप का स्टेटस डाउनलोड करना है किसी का भी, तो मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप एप्लीकेशन का उपयोग करके भी कर सकते हो और विदाउट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गवाए हुए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सअप, चलो सबसे पहले मैं अपना खोल लेता हूँ व्हाट्सअप। अब इसके अंदर मुझे देखना है व्हाट्सअप के स्टेटस डाउनलोड करने हैं, व्हाट्सअप के स्टेटस कैसे डाउनलोड किए जाते हैं उस बारे में आपको बताऊँगा। तो देखिए मैं ये चालू करता हूँ व्हाट्सअप का स्टेटस, मैं इसका देखता हूँ, ये विशाल का है, मेरा फ्रेंड का है। तो देखिए एक गणपति भगवान का फोटो है, ओके। तो देखिए चलिए अब इसके स्टेटस हमें कैसे डाउनलोड करने हैं। एक्चुअली सबके मोबाइल में सिस्टम आता है कि फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते, देख सकते हो। हमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि बिना, विदाउट एप्लीकेशन के आप स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, ओके। ये आ गया मेरा माई फाइल्स, ठीक है, ये फाइल मैनेजर में आ गया हूँ। तो ये आ गया, देखिए ओपन हो गया ये फाइल मैनेजर। अब मैं देखता हूँ मेरा व्हाट्सअप इंस्टॉल है इंटरनल स्टोरेज में, तो इंटरनल स्टोरेज पे उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खुलता है ये स्क्रीन। और उसके अंदर जाके देखते हैं तो इसके अंदर हमें देखना होता है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का जो फाइल है, फोल्डर है, उसको खोलिए। इसके अंदर आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, डेटाबेस एक मीडिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हमें जाना है मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर जाके देखना है व्हाट्सअप स्टेटस का कोई फोल्डर होगा, है। अरे तेरी, तो ये तो है ही नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे तीन जो बिंदी दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके सो हिडन फाइल्स के ऊपर इसको ऑन करना है, ये ताकि जो भी हिडन फाइल है वो हमें दिख जाए। ये मेरा सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग के मोबाइल में बहुत सारे, मोस्टली मोबाइल में ये सिस्टम है कि आप हाइड फाइल को आप देख सकते हो। तो देखिए सब, देखिए मैंने जैसे ही ओपन किया वैसे ही स्टेटस के ऊपर ये आ गया है। तो दोस्तों मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था वो फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी हाल हमने ये फ़ोटो देखा था, देखिए सही है। हाँ तो दोस्तों ये रहा ये सारे स्टेटस, देखिए अभी हम देखे थे ये सब फ़ोटो, गणेश भगवान का ही फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हम देखे थे। ये रहा गणपति बप्पा मोरिया, तो दोस्तों ये रहा देखिए, ठीक है। तो ये स्टेटस हमने यहाँ से आराम से इजीली एकदम से डाउनलोड कर लिया, यानी कि ये अपने को डाउनलोड हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये छोटा सा ये ट्रिक था, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में ये सिस्टम है कि अगर आप हिडन फाइल्स देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख सकते हो तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, जिसके लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर, ओके। दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं, कहाँ गया प्ले स्टोर, ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर के अंदर ऐसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम व्हाट्सएप के स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे रहे स्टेटस, ओके स्टेटस सेवर, ठीक है। ये एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो। और दूसरी एप्लीकेशन है वो बताता हूँ मैं आपको, ES फाइल मैनेजर, ठीक है। ये मोस्टली मोबाइल्स में कंपनियाँ इंस्टॉल करके देती है, तो दोस्तों अगर ये यूज़ करो तो सबसे बेहतर है। जैसा कि जैसे ही जैसे मैं अपने फाइल मैनेजर में गया,
ऊपर से क्लिक करके मैं हाइड फोल्डर को मैंने शो किया, सेम उसी तरह इसके अंदर ही प्रोसेस रहेगा। तो आपको प्ले स्टोर में जाके इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने ये इंस्टॉल किया नहीं है क्योंकि मेरे में सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं सैमसंग के मोबाइल के अंदर, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग मोबाइल का J7 Max, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं किया हूँ। तो दोस्तों यही था फीचर इसके अंदर सेम, वो इसको इंस्टॉल करके आपको फाइल मेनू में जाके आपको हिडन फाइल्स को शो करना है। तो उसके अंदर स्टेटस में जाके आपको सारे जो भी आप देखोगे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता।